वैलोरेंट मोबाइल का बीजीएमआई किलर है क्या फिर वैलोरेंट मोबाइल नेक्स्ट हिट बिग टाइटल है इंडिया के अंदर, चलो सब जानते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो देखते देखते, और चलो पहले वैलोरेंट कुछ अच्छी बातों के साथ शुरू करते हैं, और फिर तुम्हें पूरे लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि वैलोरेंट मोबाइल क्या ये जीतेगा क्या फिर नहीं, इसका सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दूँ पूरे लॉजिकल वो में समझने के लिए। तो भी देखो सबसे पहले वैलोरेंट मोबाइल यहाँ पे अभी चाइना में चाइना के अंदर डेवलप हो रहा है टेंसन के द्वारा। अब तुम टेंसन का नाम सुनते ही कहोगे कि वीडियो देखने का मतलब भी खत्म हो जाता है जब टेंसन डेवलप कर रहा है, तो भाई रुक जाओ यहाँ पे भाई राइट्स इसका ओनर है, तो फिर राइट्स मार्केट समझता है कि इंडिया के अंदर मोबाइल गेमिंग के बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत अच्छा चलेगा भाई अगर ले आए तो। अभी कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है जैसे कि बीजीएमआई हो गया क्या फिर फ्री फायर हो गया, वो लोग भी ज़्यादा अभी नहीं है, फ्री फायर तो बैंड पड़ा और बीजीएमआई को ऑप्टिमाइज का प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन का। तो फिर भाई यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा है लेकिन ऑप्टिमाइज है वैलोरेंट मोबाइल, तो फिर वैलोरेंट मोबाइल आने के चांसेस बनते हैं भाई, आज हो ना कल हो कि वैलोरेंट मोबाइल इंडिया में ज़रूर कदम रखेगा, और जब कदम रखेगा तब क्या होगा, तब होगा क्या। तो फिर देखो वैलोरेंट मोबाइल ऑप्टिमाइज तो बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये टेंशन का गेम है, ऑप्टिमाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ भाई यहाँ पे वैलोरेंट मोबाइल भाई राइट्स का भी एक गेम है, तो फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन तो हो गए। और यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि पुराने डिवाइसेस में भी चल रहा है भाई, पुराने डिवाइसेस में भी चल रहा है, अच्छा खासा एफपीएस दे रहा है, और ये हो भी क्यों ना भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि ये गेम भाई छोटा है देखोगे तो ये गेम का साइज़ भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका मैप भी बड़ा नहीं है, रिसोर्सेज कम है, पाँच प्लेयर्स तुम्हारी टीम में, पाँच प्लेयर अपोजिट की टीम में, और यहाँ पे पाँच पाँच प्लेयर्स के बीच में लड़ाई होता है वही है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे बैटल रॉयल की तरह देखोगे तो बैटल रॉयल में बहुत कुछ रेंडर करना पड़ता है, बहुत कुछ रिसोर्सेज है, यहाँ पे सीपीयू जीपीयू में प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे कम जाता है मोबाइल पे। तो फिर ये इसलिए पुराने डिवाइस में भी अच्छा खासा वर्क करेगा, और यही तो इंडिया में चाहिए भाई, सबके पास तो कुछ अच्छे डिवाइस या फिर पुराने डिवाइस है भाई, सब नया मोबाइल नहीं लेते, तो फिर वही वही तो चाहिए। तो ये गेम वो भी ऑफर कर रहा है भाई, और उसके ऊपर ये गेम वो भी ऑफर कर रहा है कि अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर एबिलिटीज वगैरह होंगी भाई, क्राउज है, फिर भाई स्कोप है, उसका क्या तुम अगर सोच रहे हो कि ऐसे इतना सबको तुम मोबाइल में मैनुअली करोगे, तो भाई देखो यहाँ पे फायर का यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो तुम अगर नॉर्मल फायर कर सकते हो, फिर एक और ऑप्शन में तुम क्राउच के साथ फायर कर सकते हो, एक और ऑप्शन में तुम स्कोप खोल कर फायर कर सकते हो, एक और ऑप्शन में स्कोप विथ क्राउच विथ फायर, भाई एक ही बटन में सब काम हो जा रहा है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करना प्रेफर करोगे, तो यहाँ पे सब है भाई। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि हाँ अच्छा है। और यहाँ पे उसके बाद भाई एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद भाई अगर तुम्हारा एबिलिटी पूरा आउट ऑफ कूल डाउन में समय चल रहा है, जैसे कि कूल डाउन समय आ गया, तो फिर भाई वो बटन हाइड हो जा रहा है, मतलब पूरा गेम से गायब हो जा रहा है, फिर जब तुम्हारे पास एबिलिटी वापस आ जाएगा वो बटन भी वापस आ जाएगा। तो फिर ये भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है भाई, कोई प्रेशर नहीं है, कोच भी नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वैलोरेंट मोबाइल का भाई बहुत कुछ अच्छा चल रहा है भाई, वैलोरेंट मोबाइल का हैकर्स का, क्योंकि भाई इसका भाई रायट्स भाई ओनर है, और भाई ये तो ये है भाई टेंशन के द्वारा डेवलप हो रहा है वैलोरेंट मोबाइल भाई, उन दोनों का ही भाई एंटी हैक बहुत अच्छा है, बहुत टकरा है भाई, हैकर्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फिर ये सब तो हो गई बात की बात, तो फिर अब सवाल उठता है भाई क्या होगा इसका मतलब इम्पैक्ट बीजीएमआई के ऊपर क्या फिर क्रिएटर्स के ऊपर। तो देखो बीजीएमआई को तो भाई बहुत बड़ा झटका लगेगा भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, और क्रिएटर्स भाई बीजीएमआई और फ्री फायर दोनों के साइड के क्रिएटर्स भाई अभी वो दोनों गेम्स अभी कुछ ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, कोई नया गेम अभी मार्केट में नहीं है भाई जो कि डोमिनेंस कर सके। तो भाई अगर वैलोरेंट मोबाइल आता है तो वैलोरेंट मोबाइल यहाँ पे ये तो ले लेगा डोमिनेंस, और वो लोग कोशिश करेंगे कभी ना कभी तो ट्राई करेंगे, और ऑडियंस को भी उस तरफ लेने की कोशिश करेंगे भाई, और ये गेम भाई कर भी लेगा बहुत कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। तो भाई ये बहुत ही सुनहरा अवसर है भाई, तुम अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हो और वैलोरेंट मोबाइल अगर आता है भाई तुम्हारा, और अगर तुम खेलने का सोच रहे हो तो खेल लो मैं कहूँगा, क्योंकि तुम तो जानते हो राइट्स कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करता है, राइट्स के पास बहुत कुछ है भाई, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस करता है भाई टूर्नामेंट्स के ऊपर। तो स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो भाई एकदम भाई ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो भाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के नज़रे से देखे तो अच्छा है, कंटेंट क्रिएटर्स के नज़रे से भी ये गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स भाई यहाँ पे इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं भाई, इसके पहले तो बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे जब ये आएगा, क्योंकि भाई पीसी सबके पास नहीं होता, और भाई सब कुछ लोग खेलना भी चाहते थे गेम को, लेकिन पीसी ना होने के कारण कैसे खेले कैसे खेले, तो अब ये मोबाइल पर है तो भाई बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहेंगे, यहाँ के इसका गेम प्ले देखना चाहेंगे, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भाई बहुत तो सब हो गया, प्रो गेम प्ले भाई बहुत सब कुछ, ये सब तो बात की बात है। तो भाई तो ये एक इंपैक्ट तो डालेगा, लेकिन भाई अब इसका नेगेटिव साइड का क्या, तो भाई अब यही से शुरू होता है भाई इसका डाउनफॉल का साइड। सबसे पहला जो डाउनफॉल है अभी इसका जो चल रहा है, ये जो इसका एम असिस्ट है, जैसे एम असिस्ट का काम होता है टारगेट
पे जाके लगना, ई मैसेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाई। लेकिन इसका ई मैसेज कर क्या रहा है भाई, हेड पे एम है नहीं है फिर भी हेड पे जाके ही मार रहा है भाई। यहाँ पे भाई बहुत ही मुश्किल है भाई, इसका ई मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कॉम्पिटिशन को खा रहा है भाई, समझ ही रहे हो ई मैसेज का मतलब। अभी कुछ ये इसको ठीक करना होगा, ये वक्त की बात है कब करेंगे ना करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर भाई कॉम्पिटिशन कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर चलो तो देखो क्या ये BGMI को कर पाएगा। अगर मैं एक शब्द में कहूँ ना, ना होने वाला है भाई, BGMI को ये सरपास ना करने वाला है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, पतली गली से निकल 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 निकल। इस मामले में नहीं कर पाएगा वो भी बताता हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया क्यों कर सकता और क्यों नहीं कर सकता। मैं ये बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई BGMI प्लेयर्स बेस भाई सब कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव गेम है भाई, इसलिए ये मुश्किल देता है। यहाँ पे मैं खेल चुका हूँ भाई इस गेम को, और भाई यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ रैंक मोड ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सब कुछ रैंक के मुताबिक ही तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कैजुअल प्लेयर्स के लिए जगह ज़्यादा नहीं है, ना ही है बिल्कुल ही। मैं ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर एक टीम है तब तुम खेल सकते हो सब दोस्त मिलकर अच्छी तरह, लेकिन तुम्हें यहाँ पे रैंक थोड़ा माइनस लग जाएगा भाई। यहाँ पे तुम उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते, गाड़ी उड़ा दिया जैसे BGMI में कुछ लोग करते थे भाई, वो सब ना होने वाला है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट भाई चलता है, यहाँ पे तुमने गेम लेफ्ट कर दिया भाई किसी चक्कर में भाई। मेरा भी भाई कभी कभार बिजली चला जाता था भाई, पावर ऑफ हो जाता था, गेम मेरा बंद हो जाता था, उसके लिए भाई मुझे कितने वार्निंग्स मिलते थे, और कभी कभार भाई गेम मैं खेल नहीं पाता था। तो भाई ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है भाई इन सब मामलों में। तो फिर भाई ये सब तो कैजुअल प्लेयर्स के लिए बहुत हार्मफुल है, और यहाँ पे कैजुअल प्लेयर्स की जगह नहीं, स्पोर्ट्स का गेम में ज़्यादा स्पोर्ट्स का फोकस ज़्यादा होता है। तो फिर भाई अनलेस तुम एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, और कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो अलग बात है। तो यहाँ पे यही है इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल साइड यहाँ पे। लेकिन कैजुअल प्लेयर बेस ही गेम को ग्रो करवाता है ज़्यादा। फ्री फायर में भी सब भाई स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते हैं भाई, कुछ लोग फन के लिए आते हैं खेलने के लिए, तो वो लोग भाई कैसे खेलेंगे। और दोनों BGMI और फ्री फायर दोनों में ही कैजुअल प्लेयर्स हर एक गेम में होते हैं कैजुअल प्लेयर्स, लेकिन वैलोरेंट अगर तुम खेलते हो भाई कैजुअल प्लेयर के तौर पे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा भाई। अकेले खेलते हो तो भाई, और तुम अगर अच्छा नहीं खेलते तो भाई बाकी टीमों से, बाकी टीम तो क्या तुम्हारे टीममेट से तुम्हें उल्टा सीधा कह देंगे भाई, वो होता है भाई। और तुम कुछ कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, कुछ करोगे भी तो भाई उसके ऊपर भाई भाई अलग वो चीज़ होता है, फिर वहाँ पे तुम कुछ नहीं कह सकते, और वो तुम्हें मन करेगा क्विट करने का, क्विट कर दिया तो भाई कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तुम्हारा गेम में मतलब तुम नहीं कर पाओगे, खेल नहीं पाओगे, बहुत कुछ मतलब उनका रेस्ट्रिक्शंस है, पॉलिसी है भाई। तो फिर यही है वैलोरेंट का डाउनफॉल। तो वैलोरेंट चलेगा स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत अच्छा है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पे अगर तुम यहाँ पे एक कैजुअल प्लेयर हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात होने वाली है ये गेम। तो एक गेम चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है वैलोरेंट मोबाइल क्या कर सकता है। अगर क्या ये वैलोरेंट मोबाइल कुछ कैजुअल प्लेयर्स के लिए लाएगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे बताओ। तो अगर तुम्हें मालूम हो तो जवाब तो मुझे बताओ, तो मैं चलता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आई एम ओवर एंड आउट।